हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है 1 फरवरी 2024 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसको इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चेन्नई में आयोजित 6वीं यूथ गेम्स खेलो इंडिया तलवारबाजी में बालिका वर्ग मुकाबले में छत्तीसगढ़ में कौन सा पदक जीता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत और कांस्य पदक दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो रजत पदक जीत है, ठीक है, उसी को हासिल किया है। ठीक है, कहाँ पर ये आयोजित हो रहा है? तो चेन्नई में हो रहा है, किस, छठवीं, ठीक है, तलवारबाजी में रजत पदक जीत हासिल किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ बालिका वर्ग का है। ठीक है, चलिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज के कौन से क्रम के वार्षिक सम्मेलन को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, 52वें, 64वें, 50वें, 40वें। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 64वें। ठीक है, ये क्या है, चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ये संघ व्यापारियों का होता है। ठीक है, जैसे एक संघ रहता है, व्यापारी लोग किस रेट में किसको कितना बेचना है, उन लोग का एक संघ रहता है, फंड जमा करते हैं सरकार के द्वारा, उन लोग जैसे टैक्स जीएसटी पटाते हैं उसी टाइप का इन लोग का एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से किसका चयन अंडर 90 राष्ट्रीय वाटर पोलो प्रतियोगिता के लिए हुआ है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, अमिताभ जैन, अभिजीत, राजेश कुमार, राहुल मनहर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अभिजीत को चयन हुआ है। किसके लिए हुआ है? तो राष्ट्रीय वाटर पोलो प्रतियोगिता के लिए उसका चयन हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पाइस इंडिया पत्रिका में किस जिले में की जा रही काली मिर्च की खेती पर लेख जारी किया गया है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, बस्तर, कोरबा, सॉरी, कोंडागांव, नारायणपुर, रायगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बस्तर जिले में किसकी खेती की जा रही है? तो काली मिर्च की खेती की जा रही है। ठीक है, अब बस्तर जिले की बात आई है तो बस्तर जिले के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बस्तर की स्थापना 1948, जिला मुख्यालय जगदलपुर, जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे बसा है। इंद्रावती नदी बस्तर की जीवन रेखा, उद्गम रामपुर, थैमूर, मैगर पहाड़ी से हुआ है। बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। यहाँ पर जलप्रपात चित्रकूट, इंद्रावती नदी पर तीरथगढ़, मुनगाबहार नदी पर स्थित है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा पहाड़ी मैना को यहाँ क्या किया जाता है? तो संरक्षण किया जाता है। भैंसादाह मगरमच्छों का प्राकृतिक शरण यहीं पर स्थित है। गोचा पर्व आषाढ़ माह में आयोजित किया जाता है। किनके द्वारा यह प्रारंभ किया गया है? तो काकतीय राजा पुरुषोत्तम देव द्वारा प्रारंभ किया गया है। बस्तर का दशहरा विश्व में सर्वाधिक कितने दिनों तक चलता था? तो 75 दिनों तक चलता था, उसको बढ़ा के 107 दिन कर दिया गया है। खनिज, ठीक है, जो हीरा है कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो हीरा तोकपाल से, ठीक है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तोकपाल से प्राप्त किया जाता है। वहीं बॉक्साइट, बॉक्साइट कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो आसना, ठीक है, आसना
तारापुर, साथ ही यहाँ पर प्राप्त किया जाता है जो अभ्राख है, ठीक है। अर्भा जो अभ्राख है उसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो दरभा घाटी से। कहाँ से, तो दरभा घाटी से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन से आप इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए, ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से यदि आपको हेल्पफुल मिला हो, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।